जॉन मैड्यूज इज नो लॉन्गर विद अस, सैड न्यूज़ है। जितना सीखा उसमें बहुत हाथ था जॉन मैड्यूज का, और वो हमेशा। हाय एवरीबॉडी, सैड न्यूज़ है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री की को लेकर, और बहुत अफसोस हुआ खबर जब सुनी जॉन मैड्यूज की, जो कि नहायत ही कॉमिंग पर्सन, हम्बल पर्सन थे, जो कि हमें नहीं है। अब 49 साल की एज के अंदर उनका इंतकाल हो चुका है, और बहुत से लोगों को मालूम होगा कि उनको बाईपास इनका हो चुका था और हार्ट का इशू था। तो हार्ट के इशू को लेकर जो अर्ली जो इंफॉर्मेशन आ रही हैं, जो काज ऑफ डेथ बताया जा रहा है वो एक्चुअल तो नहीं पता, लेकिन जो रूमर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि हार्ट का इशू था, जिसकी वजह से रात को अपने बेड पे सोए हैं, और सुबह उनकी वाइफ ने और उन्हें मुर्दा हालत में पाया। और नहायत ही आप कह रहे हैं एजुकेटेड पर्सन थे, अर्ली जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ है, जब इंटरनेट की एवोल्यूशन हुआ है, बहुत से लोगों को जब जिन्होंने सीखा है, हमारे जैसे लोग जो कि हम अमेरिका के अंदर तो नहीं रहते, लेकिन ऑब्वियसली सीखने के लिए हमें कोई ना कोई तो सहारा चाहिए होता है, तो जॉन मैड्यूज इज़ वन ऑफ देम। और एक बात यह है कि बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन थे, और जब उठाऊँ सुबह तो बहुत ही शौक हुआ हूँ, एक दो मिनट तो मुझे होश ही है कि यार ये बंदा इतना ज़बरदस्त और इतना खूबसूरत बयान अंदाज, और जो उसका डिस्प्ले था बयान करने का तरीका, वो बहुत ही धीमी तबीयत का मालिक था, और बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ याद रहेगा जब तक ज़िंदगी के अंदर ऑब्वियसली मैं हूँ, तो इन्फ्लुएंसर जो है ना उसका मेरी लाइफ के अंदर हमेशा रहेगा। तो बहुत ही दुख वाली बात है, जॉन मैड्यूज वी लव यू और वी ऑलवेज रिमेंबर यू इन आवर प्रेयर्स। लेकिन ये है कि इस तरह के लोग बहुत ही वन ऑफ, आप कह लें कि मिलियन इस तरह के लोग होते हैं जो कि आपको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, अगर आप उनके बारे में बैड भी कमेंट्स देते हैं तो वो केयर नहीं करते बहुत ही। उन्हें मैंने उस बंदे को देखा है कि वो हर फार्म के ऊपर आके और हर उसने पॉडकास्ट के ऊपर आके, बेशक उसके सब्सक्राइबर्स 5 लाख हैं, 50 लाख हैं, डजेंट मैटर, या उसके 50 सब्सक्राइबर हैं, वो आया उसने अपना नॉलेज शेयर किया है, और बहुत सी जिंदगियों को उसने बदला है अपने नॉलेज से, अपने काम से। तो बहुत दुख वाली बात है, अगेन मैं भी स्टैंडिंग हालत के अंदर इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि पहले मैं बता चुका हूँ कि मुझे, मैं ये बात हजम ही नहीं हो पा रही थी कि ये इस तरह का मामला हो सकता है। बहरहाल जो होता है वो उसका कोई मकसद होता है लाइफ के अंदर, तो दुआ गो हैं कि उनकी जो फैमिली है उनको सब्र मिले, और जो उनके पसमानदगान हैं वो उनके तरीके पर बेहतर और उनके वर्क को बेहतर लेके चले।